छुट्टी मिली है। मुझे दशहरे में 15 दिन की छुट्टी मिली है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ रहकर क्या करूंगा, इसलिए इसलिए मैं पटना से अपने गांव वापस सीतापुर यानी कि मैं अमरगढ़ चल रहा हूँ। और दोस्तों मेरे पास पैसे भी नहीं रह गए हैं कि मैं कैसे यहाँ अपनी पढ़ाई करूंगा और क्या खाऊंगा। तो इस समय मैं अपने गांव वापस सीतापुर चल रहा हूँ। मास्टर जी फूलवा के दोना भैले फूलवा के दोना देसवा हमारे भैले देसवा हमारे भैले फूलवा के दोना बाकेला रामचंद्र बाबू जय शंकर जय शंकर जय शंकर। और बाबू बताइए क्या होल है? होल नहीं साले सुराख है। क्या हाल है? क्या हाल है बाबूजी? पागल कहीं का। देखो बाबू अभी सुल्तान सिंह नहीं आया। जी हाँ बाबू। और मेरा जी बहुत मुतरा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं भी बैठ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है बाबूजी। हराम खोरने, मैं तुझे कई बार समझाया लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आती, तो क्यों चली
नहीं खा लिया जाए तू मर गई, मुंह तेरा देखना तो महापाप है, जाके मर जा कहीं खाए कर। बाबू बहने का अर्थ है क्या करूं क्या करूं जे? सयान लड़की है इन बहन बेटी है, अब कदो अंडरमंड लगी है तब साला मुझे समझाने आया है, दिमाग खराब है इसका। पिताजी वो क्या कहना चाहती है? अगर मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो फिर मैं किसके पास जाऊंगी? कहीं भी जा, डूब कर मर जा, मुझसे कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। काकर पैदा के हाथ के क्या कह रहा है? जब पैदा भरे नहीं बने तब दाम दा, 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 मैं थोड़ी इस तरह से समझ रहा था। और एक खता माफ कर दो पिताजी हमारे, पिताजी हमारे। खता माफ करी दो पिताजी हमारे, बजाओ मैं हरदम जाऊं मैं हर दमी ये कहना तुम्हारा। और मेरे सामने इतनी हिम्मत है दिखाई, और जुबा काट लूंगा जुबा जो पैदा होते नहीं क्यों, अरे मर गई तू, पैदा होते नहीं क्यों, अरे मर गई तू, मेरे जिस्म में है बदन क्यों। ए बाके ले लिया।
चलो साले। सयान बहन मिटिया जिन मारा साले तुमको मारू। इधर चल, इधर आ। पागल हो गया है क्या रे? इधर आ। क्या समझा रहा है बाबू? हम कहते बहन बिटिया सयान है मारा जिन। क्या करूं? सुन मेरी बात। बोला देखो, इसको मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। सुन रहा है? नहीं तो पहले पहले ही बतावा। क्या बताऊं रे? जुग जमाना जरत बा, सयान सयान महन बिटिया कहाँ जाई है? मैं रास्ता बता रहा। अब मैं कहता अंड बंड हो जाए। पिताजी, और मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे घर से मत निकालिए पिताजी। कहीं भी जा, ये घर छोड़कर क्या कहीं भी जा, डूब कर मर जा, मुझसे कोई वास्ता नहीं है, समझ रही है? मैं तुझे पहले बता दिया कि ये चेहरा मेरे सामने कभी मत दिखाना, लेकिन जब मैं राज दरबार में बैठा रहता हूँ तो मन हो सूरत जरूर आती है। आके ललवा सुन मेरी बात। क्या देख रहा है? जा करके महल से मिट्टी का तेल ले आ। नहीं पिताजी, ऐसा डीजल लेके आ, फौरन इसके सर पे डाल दो और लगा दो माचिस इसी भरे राज दरबार में। ए बहनी, भागिए इसे। बाकी लाल भैया अपना इधर पेट्रोल लग छिड़क जला दे। बहुत जल्दी यहाँ से निकालो नहीं तो जला दूंगा। कहाँ जाऊँ मैं? भगाते हैं ना साले? तुमको मैंने कहा भगा दो कि साले मैं भगा दिया? मैं तो कहा किसी परेड दरबार में जला दूंगा। जलाओ कहा था ना? हाँ। काकर के बहन बिटिया से आने काकर जान ले बे। साले तू समझदार है, इसीलिए साले तू भगा दिया। भगा दिया कहाँ जाई है बहनी मार तुम्हारे? कहाँ था ही? कहाँ जाएगी? तू लोग भी भी जिन कर रहा? चल चल। क्या तू भय कर रहा रे? कमन चक्की ऐसे मुबाय है नन्ना से। तू बात छोड़, मेरी बात सुन। आज के बाद इस रात दरबार में इसको नजर नहीं आना चाहिए, समझा कि नहीं? बाघेलाल मैं जा रहा हूँ। जा जा। ठीक है मैं चलता हूँ। भैया अब देखियो इसके बाद क्या होता है। कैसे हर गोरिया हर गोरिया मारा ना नजरिया हो जियरा लालो पटना से चलते चलते अपने गांव अमरगढ़ के करीब पहुंच गया हूं। यहीं से कुछ ही दूर पर मेरा घर है, यहीं से कुछ ही दूर पर मेरा घर है। अब चल रहा हूं, चलकर देखता हूं कि मेरे भैया अर्जुन घर पर हैं कि नहीं है। ठीक है, चल रहा हूं। अरे भैया अमर रामचंद्र। हाँ भैया अमर। और भैया बताओ, ये बताइए आप पटना से कब आए भैया? बस भैया अभी अभी ट्रेन से स्टेशन पर उतर ही रहा हूं। क्या आप